नमस्कार बच्चों, आप अपने दोस्तों को ज़रा याद करके बताओ तो, क्या वे सभी एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना, कभी कभी आप अपने दोस्तों को दूर से देख के पहचान जाते हो, जबकि हम सभी के पास वही दो हाथ, वही एक सर, वही दो आँखें, एक नाक, ऐसे ही अंग हैं, पर फिर भी हम सभी एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। बच्चों, एक जैसे होते हुए भी हम सब अलग अलग कैसे दिखते हैं, आओ पता करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी पर्यावरण अध्ययन पाठ दो, अलग अलग पर हम सब एक जैसे। बच्चों, संख्या की बात करें तो हम सभी के पास दो हाथ, दो पैर, एक सिर, दो आँखें, एक नाक, दो कान है। हमारे शारीरिक अंग संख्या में तो बराबर होते हैं, परंतु उनका रंग, उनका आकार, उनके बनावट में अंतर होता है। आपके हर दोस्त में कुछ खास बातें होती हैं जिनकी वजह से वे पहचाने जाते हैं। कैसे अंतर होता है बच्चों, आओ देखें। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, त्वचा के रंग आदि में अंतर होता है। बच्चों, आपने गौर किया होगा, आपकी कक्षा में भी कुछ बच्चे पैंट शर्ट पहन के आते हैं तो कुछ स्कर्ट शर्ट पहनते हैं, या घर में फ्रॉक आदि पहनते हैं। इन्हें हम लड़का और लड़की के नाम से पहचानते हैं। पहनावे के अलावा उनमें और क्या क्या अंतर है, आप ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कक्षा में कुछ बच्चे आपसे लंबे होते होंगे तो कुछ छोटे, यानी ऊंचाई में भी अंतर होता है। बच्चों, और एक गतिविधि द्वारा समझते हैं कि हाथों की हथेली में क्या क्या अंतर होता है। इसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं। आप या तो अपने और अपने दोस्तों के हाथ आमने सामने रख के देख सकते हैं, या फिर अपना हाथ एक सादे कागज़ के ऊपर रख के पेंसिल से उसका आकार बना सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ में रंग लगा के उसकी छाप एक पेपर पर ले सकते हैं। बच्चों, ज़रा चित्र देखकर बताओ तो, इनमें किनकी हथेली छोटी और किनकी बड़ी है? ये दूसरे चित्र में देख के बताओ, किनकी उंगलियां मोटी और किनकी पतली है? और ये तीसरे चित्र में देख के बताओ कि किनकी उंगलियां लंबी और किनकी छोटी है? इसी तरह बच्चों, आप पैर के पंजों में भी अंतर कर सकते हैं। बच्चों, आओ देखते हैं चेहरे की बनावट में क्या अंतर होता है। किन्हीं का चेहरा लंबा तो किन्हीं का गोल होता है। आप अपने ऐसे दो दोस्तों का नाम लिखो जिनका चेहरा लंबा है, और दो ऐसे दोस्तों का नाम लिखो जिनका चेहरा गोल है। आगे देखते हैं आँखों में अंतर। किन्हीं की आँख छोटी छोटी तो किन्हीं की बड़ी बड़ी होती है। आँखों की पुतलियों के रंग में भी अंतर होता है, ये देखो। ऐसे ही हमारे बालों में भी अंतर होता है। किन्हीं के बाल काले तो किन्हीं के भूरे होते हैं। किन्हीं के घने घने बाल होते हैं तो किन्हीं के पतले और कम बाल होते हैं। ऐसे ही बच्चों, हमारी नाक के बनावट और आकार में भी अंतर होता है, और हमारे होंठ का आकार और बनावट में भी अंतर है। कान पे गौर करेंगे तो कान का भी आकार और बनावट में अंतर होता है। बच्चों, आपको कभी अगर किसी ने पीछे से आवाज़ दिया होगा, कभी भी आप झट पहचान गए होंगे ना कि ये मेरे किस दोस्त की आवाज़ है, या ये तो माँ की आवाज़ है। तो आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हमारे आवाज़ में भी अंतर होता है। तो बच्चों, देखा ना आपने कितना अंतर है हम सब में? तो हुए ना हम सब अलग अलग पर एक जैसे। बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि संख्या में तो हमारे पास समान अंग है, परंतु उन अंगों के आकार, बनावट और रंग में अंतर होता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, और इन्हीं अंतरों के कारण हम एक दूसरे से अलग अलग पहचाने जाते हैं। तो बच्चों, चलो कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। जरा आप गिन के बताओ तो, आपके दोनों हाथ की हथेलियों और दोनों पैर के पंजों में कुल मिलाकर कितनी उंगलियां हैं? अ 5, ब 10, स 15 या द 20?
हाँ, हमारे पास कुल 20 उंगलियां हैं। प्रश्न दो, इन 20 उंगलियों में से आपके पास कुल कितने अंगूठे हैं? आ दो, ब तीन, स चार या द पांच? हाँ, हमारे पास कुल 4 अंगूठे हैं। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य। आपके पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका जवाब आप उन्हीं पृष्ठ में दिए हुए रिक्त स्थान पर लिखेंगे। यह रहा आपका प्रश्न दो। आपके पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 में 2 चित्र दिए हुए हैं जो देखने में तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, पर इनमें 5 अंतर है। आपको इन अंतर को ढूंढना है। इसके लिए आप सूरज, चिड़िया, फूलों, तितलियों और बच्ची के बालों को ध्यान से देखेंगे। ये रहा प्रश्न 3। आपको अपने किन्हीं 5 दोस्तों के शारीरिक बनावट में अंतर ढूंढकर अपने नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 4 है, आपको अपने तथा अपने दोस्तों के हाथों की हथेलियां और पैर के पंजों में अंतर ढूंढने का प्रयास करना है। प्रश्न 5, आपको अपने हाथ की हथेली और पैर के पंजों के छाप से कुछ कलात्मक करने की कोशिश करना है। आओ, मैंने कुछ यहाँ पे करके आपको दिखाया है। ये रहा सूर्यमुखी का फूल। तितली और फूल भी बना सकते हैं आप। आप हर साल अपने जन्मदिन में अपने हथेलियों और पंजों का छाप लेकर एक एल्बम बना सकते हैं। ऐसे ही गुथे हुए आटे में आप अपनी हथेलियों का छाप लेकर अंतर ढूंढ सकते हैं।
ठीक है बच्चों, हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे।